हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे एमईजी 6 की कि एमईजी 6 में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। एमईजी 6 की गाइडेंस वीडियो है, तो फिलहाल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था। सो रिपीटेशन लेवल देखने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक्स की बात करूंगी क्योंकि इसके अंदर बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका पेपर का पैटर्न आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी होता है। नोट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें हमेशा शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कंप्लीट जो अमेरिकन लिटरेचर है उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट पूछा जाता है। कभी पोइट्री से रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो कभी प्रोज से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बट शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है। तो इस शॉर्ट नोट वाली क्वेश्चन को आप साइड में रख दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट जो है आपका वो बाकी के क्वेश्चन को जब आप कवर करेंगे तो वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें, अगर हम इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत रिपीट करती है जो आती ही आती हैं, जैसे कि क्या हकलबरी जो फिन है, हकलबरी फिन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है और ये हर बार रिपीट करता है। हकलबरी फिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट हो सकती है चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है आपको ब्लूएस्ट आई। ब्लूएस्ट आई भी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर साल बनता है। ये मैं PYQ के पेपर को एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस प्ले है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट हैं, या ये जो 3 वर्क है ना ये बिल्कुल द बेस्ट तरीके से करना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब ये मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए आपका। तो कौन कौन सा, हकलबरी फिन हो गया आपका, उसके बाद है द ब्लूएस्ट आईज एंड द डेथ ऑफ सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन की डेथ। इन सब की वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो विट्स मैन की पोइट्री से क्वेश्चन आ जाता है, अमेरिकन पोइट्री की क्वालिटी। देखो ये जो एमईजी 6 है ये अमेरिकन लिटरेचर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अमेरिकन लिटरेचर की पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री की क्वालिटीज़ को बताइए। अब आप सोचेंगे कि अमेरिकन लिटरेचर का कोई स्पेसिफिक कोई चैप्टर तो था नहीं। सो वन थिंग कीप इन योर माइंड, इन होल बुक, पूरी बुक में क्या है, अमेरिकन लिटरेचर ही तो है। तो जितनी भी पोइट्री इस बुक के अंदर है सारी अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आ जाती हैं। तो आपको किसी भी पोइट्री का अगर थोड़ा बहुत भी कुछ याद है उस पोइट्री में क्या था क्या नहीं था क्या सिस्टमेटिक चीज़ें, तो वो सब आप उसमें इलाबोरेट कर देंगे। करेक्टरिस्टिक पूछिए तो करेक्टरिस्टिक बता दीजिए, क्योंकि पूरी बुक ही क्या है, अमेरिकन लिटरेचर है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, एज्रा पाउंड की पोइट्री है, इसे भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो विट्समैन की पोइट्री सिर्फ क्वेश्चन आता है या फिर अमेरिकन पोइट्री की करेक्टरिस्टिक करके क्वेश्चन आ जाता है, तो अमेरिकन पोइट्री मतलब पूरा कुछ भी हो सकता है। एज्रा पॉइंट को आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार 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 पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए। अब शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट क्या होता है, इन्हीं टॉपिक्स से प्रिपेयर किए जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, यहीं से उठाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि आपको ये तो करना ही है। तो पूरी बुक करेंगे जब आपको कोई भी 5 करना है, शॉर्ट नोट को छोड़ के आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कौन कौन सा, हकलबरी फिन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन और एक कौन सा था, द ब्लू वेस्ट आई। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको कर लेना है। रही बात अब एक क्वेश्चन की, वो या तो वो पोइट्री सेशन से ही पूछा जाएगा, चाहे तो अमेरिकन लिटरेचर की पोइट्री के बारे में पूछ लेंगे, नहीं तो कोई स्पेसिफिक पोइट्री पूछ लेंगे, एज़रा पाउंड की पोइट्री पूछ लेंगे, ठीक है, और एक नाम विट्समैन की पोइट्री पूछ लेंगे। तो ये है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैंने सारी बातें कर ली, कहाँ से आपको स्मार्टली जो टॉपिक्स थे, जो पीटी टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइटिंग। राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको टू द पॉइंट लिखना है और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग का यूज़ करके लिखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट टोटल नंबर, जितनी शीट होंगी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड कर देना है। मान लो एग्ज्यूम कर लो 20 मार्क्स के लिए आपको 20 पेजेस की शीट मिली है, एज्यूम करने को बोला है, तो 5 क्वेश्चन करना है तो 4-4 करना है। अगर 25 पेजेस की शीट मिली है तो 5-5 पेजेस का एक आंसर होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है इग्नू में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट खींच के चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि पेपर स्टार्ट होता है, तो पैनिक नहीं होना है, कोई बात नहीं, उसको लेने दो, 40-50 मिनट आराम से लेने दो।
30 मिनट 35 मिनट के अंदर आपको असेंबल कर देना है अपने आंसर को। बहुत सारे रीजंस होते हैं, एग्जामिनर होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, कहीं रोल नंबर फिल करना होता है, साइन करना होता है, ये सब पहले क्वेश्चन के ड्यूरेशन पे ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो पैनिक नहीं होना, ना अपने दिमाग को पैनिक करना, ना अपने दिल को पैनिक करना, ना अपने हाथों को पैनिक करना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, शीट डिवीजन की बात हो गई, राइटिंग की बात हो गई। कोशिश करो कि हैंडराइटिंग अच्छी लिखो, पेपर नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। आपको, आप घर में जाते तो आपको रूम कैसा पसंद है, नीट एंड क्लीन पसंद है। ठीक है, तो उसी तरह से एग्जामिनर को भी वो कॉपी ज़्यादा पसंद आती है, वो पेपर ज़्यादा पसंद आता है जिसमें नीट एंड क्लीन लिखा होता है, जो बहुत साफ़ सुथरा होता है। पेपर को हमेशा नीचे से 4-5 लाइन ऊपर ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ये पेपर की शीट है और लास्ट पेज है जहाँ तक आपको लिखना है, तो नीचे से इतना सा स्पेस छोड़ के ख़त्म करना है, मतलब 3-4 लाइन छोड़ के ख़त्म करो। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को बिल्कुल माइंड में स्ट्रक करेगा कि आपको वहाँ पे मार्क्स देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे पेपर्स चेक करने के चक्कर में ना एग्जामिनर के माइंड से हो सकता है कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए, तो हमें चांस नहीं लेना है। तो मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर कर ली है। ठीक है, PYQ को ज़रूर देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं आप। गाइडेंस वीडियो है ये आपकी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, शीट डिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने बता दिया, कहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता दिए, हैंडराइटिंग के बारे में आपको बता दिया। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ना शुरू कर देना है। पहले एक एक क्वेश्चन तैयार करो, एक एक क्वेश्चन तैयार करो। आज से मेरी वीडियो देखने के बाद से ही क्या करेंगे आप, हकलबरी फिन को आज कवर कर लो, ब्लूएस्ट आई को, डेथ ऑफ सेल्समैन को, इन तीनों को कोशिश करो एक दो दिन में कर डालो। समरी कितने मिनट की है, 10 मिनट 15 मिनट, एक बार सुन के कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू अगेन, कम से कम 2 बार समरी सुनोगे तब आपके यहाँ रहेगी। और छोटा छोटा टू द पॉइंट नोट्स बनाओ। एज ए टीचर आई ऑल्सो मेक नोट्स। ये देखो आपके लिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, पर जब वीडियो बनाती थी तो भूल जाती थी, इसलिए मैं अब देखो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनी, बट टू द पॉइंट मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुझे आपके साथ क्या क्या डिस्कस करना है, ताकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ। तो लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई वीक एरिया है, लिखने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ भूले ना जो इम्पॉर्टेंट हो। तो शॉर्ट में, चाहे हाफ पेज में बनाओ, बट नोट्स ज़रूर बनाओ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। मैं बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर लेके आने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करूँगी सभी MEGs की, जो कि एक दो दिन में ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।